सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आप देख सकते हो मैं वापस से मॉनसून ट्रैवल सीरीज लेके आ चुका हूँ एक और नया व्लॉग। इस व्लॉग में मैं बेसिकली कोलैबोरेशन में एक प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, एक जगह है कैंपिस्तान करजत करके, करजत में है। यहाँ पर कैंप्स, ग्लैम्प्स, कॉटेजेस, स्वीट सब कुछ मिलेगा आपको, मतलब सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको पूरा इन डिटेल कैंपिस्तान करजत दिखाने वाला हूँ। आप व्यू तो देख ही रहे होगे, क्या व्यू है। इसके पीछे दिखाऊंगा कि कैंपिस्तान करजत कैसा दिख रहा है, क्या है एक्चुअली में, प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब सुपर प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्लेइंग एरिया है, हाचरी बोर्ड एंड ऑल। यहाँ पे इनका डीजे चलता है जब बारिश नहीं रहती, ऑब्वियसली बात है। ये डाइनिंग है, रेस्टोरेंट एरिया है, और यहीं पे रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो नीचे आपको टेंट्स और कॉटेजेस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ये स्वीट्स हैं, ये रिसेंटली बने हुए स्वीट्स हैं, स्वीट रूम्स हैं यहाँ पे फॉर कपल्स एंड 4 to 5 packs ऑल्सो। बट कपल बेड पे जाएगा और नॉर्मली एक्स्ट्रा मैट्रेसेस लग जाएंगे। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है आपको, मतलब पूल की वैसे इंडीड ऐसे नज़र, मतलब ज़रूरत नहीं है, बट पूल दिया हुआ है और आपको सामने तो दिख ही रहा है वो। मैं आपको थोड़ी देर बाद नीचे लेके चलता हूँ। और ये पूल सही है यार, काफ़ी सही लग रहा है पूल तो, है ना, मज़ेदार है पूल काफ़ी। ये आप टेंट्स देख सकते हो, वहाँ पे भी टेंट्स लगे हुए हैं। ये प्रीमियम टेंट्स हैं, और वो जो आप छोटे वाले टेंट्स देख रहे हो वो नॉर्मल टेंट्स हैं। स्टार्टिंग प्राइस है उसका नॉर्मल 2000 अराउंड। और ये एक अलग है, ये अलग स्टेज है, ये इनके स्टाफ्स के लिए बना हुआ है। बाकी नीचे जाते हैं, नीचे क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, कॉटेजेस उन्हें पूरा दिखाता हूँ अभी। चलो नीचे चलते हैं, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर नीचे आप आओगे तो एज एन एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या करने को मिलेगा। हमको जहाँ पर स्टे मिला है मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि आज का हमारा स्टे कहाँ पर। यहाँ ये वॉशरूम्स बने हुए हैं कैंप्स के लिए, जो मतलब कैंप्स में रह रहे हैं उनके लिए यही वॉशरूम्स है। ये लेडीज़ है, ये आगे यहाँ पे जेंट्स है बाजू में, ये वाला सेक्शन जेंट्स का है। इधर से जा कर के पूरा उधर से जाके दिखेगा, ये पूरा जेंट्स सेक्शन है और ये लेडीज सेक्शन है, और ये है वो लग्जरी कैंप्स। नीचे देखो, आपको लेके चलता हूँ। ये है कयाकिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस, मतलब आप कयाक्स भी आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़े टाइम में कयाकिंग भी करूँगा, आपको वो भी दिखाऊँगा कैसे, कितना मज़ा आ रहा है। अब ये देखो, ये है कैंपिस्तान करजत, ये कयाक्स है यहाँ पे। अभी इसी पे बैठ के अपने को रवाना होना है। यहाँ पे ये टेंट्स लगे हुए हैं, देखो। अभी ये कयाक्स मेरा वेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करजत में मैं कयाकिंग नहीं कर पाया था, बहुत रिग्रेट था, बट आज बारिश है, आंधी है, तूफान है, मैं करूँगा ही करूँगा। तो थोड़ी देर में हम कयाक करेंगे। अब लेक देखो कितना सही लग रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ का सबसे हाईलाइटेड जगह बताता हूँ जहाँ पे लोग रुकते हैं और जहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं। वो यहाँ इस प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट प्लेस टू स्टे है अगर मैं आपको बोलूँगा तो, वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखो, टाना, ये है कॉटेजेस इनके, ये 3 cottages हैं। हमको ये बीच वाला मिला है, आज की रात हम इस बीच वाले में रहने वाले हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कितना सुपर्ब है। चलो ये देखो, दिस इज़ आर स्टे फॉर टू नाइट गाइस। ये देखो, ये हमारा बेड है, एसी लगा हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी आपको लेके जाऊंगा, कूलर है यहाँ पे, मिनी फ्रिज दिया हुआ है,
ये हमको रैक्स भी है, टेम्परेरी रैक। हमारे पास यहाँ पे मिरर भी है। वाओ, ये हमको मिरर दिया गया है। और यहाँ अंदर ये है वॉशरूम। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल गाइस। ये देखो बाथटब है भाई लोग, बाथटब। क्या और क्या चाहिए, आज मैं इसी में रहने वाला हूँ, फुल लीजर होने वाला आज। अब आपको ऊपर लेके जाता हूँ। तड़म तड़म तड़म, हम लोग तो दो ही हैं। अभी यहाँ भी लोग सो सकते हैं आराम से। ये देखो यहाँ से व्यू देखो आप लोग, कितना सही है यार। ये हमारे नीचे हमारा बेड है और यहाँ पे व्यू कितना शानदार है लेक का। मतलब आज की ये जो प्रॉपर्टी है, आज का जो स्टे है, ये सॉलिड होने वाला है। एक और चीज़, मेरे से टीवी मिस हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ टीवी कहाँ लगा हुआ है। आपको टीवी दिख रहा है, ये टीवी है, आपको दिखाता हूँ, ये टीवी है। क्या सही जगह पे बनाया है, मतलब इतना सुपर कॉटेज है ना, इतना सुपर, मतलब जो वाइब है ना, मैं आपको वाइब बता ही नहीं सकता। बहुत सही वाइब है, बहुत सही। तो अभी कायाकिंग करूँगा, एक्टिविटीज जो भी करूँगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितना फन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आज। चलो, इतने सब्र करने के बाद हमारा लंच स्किप करवाया है इन प्रॉपर्टी वालों ने। तो इतने वेटिंग के बाद, इतने कॉल करने के बाद क्या भेजा आपको मालूम है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, इसको इनको बनाने में 1.5 घंटा लग गया। साला 1.5 घंटा लग गया। ये लड़की जिसको कुछ नहीं आता बोलती है मैं 20 मिनट बना लूंगी, और इनको 1.5 घंटा लग गया। क्या मतलब, लोग इतने कामचोर हो चुके हैं ना, मैं क्या बताऊं। ये फटाफट का करके मैं सीधे पानी में उड़ी मारने वाला भाई। चलो सब लोग पानी में। तो मैं रेडी हो चुका हूँ कायाकिंग करने के लिए। मतलब वो कायाक्स देख करके मैं कब से अटेम्प्ट हो रहा था ये लेक देख करके, बट मेरे को नॉर्मल कंटेंट भी शूट करना था और यहाँ जो कोलैबोरेशन के लिए आए थे तो प्रॉपर्टी का भी शूट करना था, तो वो कर लिया पहले, उसके बाद अब जा रहा हूँ कायाकिंग करने। तो बहुत मज़ा करने वाला हूँ मैं अभी। तो अभी देखो मैं कितना फ़न करता हूँ। आप लोग इतना रिलेट करोगे कि इस प्रॉपर्टी पे पक्का विजिट करने की कोशिश करोगे। तो चलो कायाकिंग करते हैं, आओ मेरे साथ कायाकिंग कराता हूँ आपको। तो मैं गेयर अप हो रहा हूँ कायाकिंग करने के लिए, फुल टू मजे भाई। लाइफ जैकेट जरूरी है, भले ही स्विमिंग आते तो क्या हुआ, सेफ्टी फर्स्ट। इसको कहाँ लगाऊं, कायाक्स निकालता हूँ। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला यार। किनारे पे बहुत गंदा है यार, आई एम डिसअपॉइंटेड। वो कायाक नीचे ही है, वही कायाक करते हैं। भाई मैं रेडी हो चुका हूँ कायाकिंग करने के लिए, फुल सेट हूँ। एक अच्छा सा राउंड मार के आता हूँ, तो उसके बाद आके बताता हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और आप लोग को भी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो चलो थोड़ा चप्पू चला ले हम भी, चलो। बस मैंने कायाकिंग कर लिया है और कायाकिंग करके जो मज़ा आया ना, मैं बता नहीं सकता। बारिश आप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बहुत आई तेज़ बारिश हो रही है और थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो इन्होंने मेरे को कायाकिंग करने से मना कर दिया, तो मैं बाहर निकल गया, नहीं तो मैं तो नहीं ही निकलता था। बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले, मैं आपको बोल दूँ।
तो हमारा डिनर आ चुका है। देखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है यार। रोटी रैप करके दिया है मस्त फॉइल पेपर में, अनियन दिया है, पनीर है वेज क्योंकि श्रावण चल रहा है, आलू की सब्जी है, राइस एंड देन दाल। भाई खाना देख के तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अब खा के देखते कैसा है फिर मैं आपको बताता हूँ खाने में टेस्ट कैसा है। देखने में तो भाई मज़ा आ गया। तो डिनर मेरा हो चुका है, अभी फुल थम्सअप पी करके मैं सो जाऊंगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ करके हमको डे में अच्छे से कवर करना है। तो बाकी इसको कंटिन्यूएशन में मैं कल सुबह आपको मिलता हूँ। तो गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ, बट जो नज़ारे के साथ उठाओ ना वो देखने लायक है। ये देखो ये है वो नज़ारा, कितना प्यारा है ना, शांति, बजर हमिंग। ये देखो ग्रीनरी कितना ज़्यादा है, मतलब इतने नेचर में रहने का अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है, दैट टू इतने प्यारे कॉटेज में। तो कल का रात बड़ा सुकूनदायक था, जो सोया हूँ मैं मज़े से सोया हूँ, मैं एकदम पीसफुली सोया हूँ। हाँ लाइट जाती है थोड़ी बहुत बीच में, रात में लाइट जा रही थी बट ठीक है, अप डाउन करके आ गई थी। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तो थी हार्डली आधा घंटा एक घंटा नहीं रही होगी, बट कोई इशू नहीं है, मौसम ठंडा था तो नींद में कोई इशू नहीं हुआ तो कहते हैं। बट प्रॉपर्टी ओवरऑल बहुत सही है, बहुत सही है। ब्रेकफास्ट आ चुका है, फटाफट चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर टाटा बाय बाय बोलेंगे। चलो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, ये आया हमारे लिए पोहा और पराठा विद दही। अब खा के फिर तूने रात में इतनी भूख लगी तो मैं क्या बताऊँ, बट ये देख करके अब पूरा पेट में जाने वाला है, तो फटाफट खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। तो हम रेडी हो चुके हैं और इस जगह को अलविदा बोलने का टाइम भी हो चुका है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि स्टे थोड़ा और बड़ा होता है और 2-3 दिन होते तो बड़े मज़े आते, बट ठीक है कुछ चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती है। तो ये वन नाइट स्टे था जो हमने बहुत मज़े किए और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो आई होप आप लोगों के व्लॉग ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग को ये प्रॉपर्टी पे विज़िट करना है या आपको इसके और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगे मैं आपको दे दूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मैं आपको ऐसे ही जगहों के वीडियोज़ और बनाते जाऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।